الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع الكريم الحمد لله رب العالمين চমনস্থানে রিজভি কে মহকে ফুলো শমা এ রিসালাত কে পরবানো গাউসে আজম কে আকীদত মন্দো গরীব নওয়াজ কে ফদাইয়ো মরকজে আহলে সুন্নাত ফাজলে বরেলভি কে মতওয়ালো আইয়ে সবসে পহলে সবসে গুম্বদ মে আরাম ফরমানে ওয়ালে আকা সাইয়্যিদে আবরার ওয়া খিয়ার শাহনশাহে জিবকার কায়নাত কে অবলিন ফজলে বাহার জহবরে আজম কায়েদে আজম নীরে আজম জনাব আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বারগাহ মে বেকশ পনাহ আকীদত ও মুহাব্বত কে সাথ আপনি গোলামি কা সবুত দেতে হুয়ে দুরুদ শরীফ নজরানা পেশ ফরমায়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম এক হি সফ মে খড়ে হো গয়ে মাহমুদ ও আয়াজ এক হি সফ মে খড়ে হো গয়ে মাহমুদ ও আয়াজ না কোই বান্দা রাহা না বান্দা নওয়াজ হর ওয়াইজ হর মুকাররর খুতবা মসনুনা কে বাদ কিসি না কিসি আয়াতে মুবারকা ইয়া হাদিস পাক কো আপনা উমানে সুখন বানায়া করতা হে ইসি জাবতে অর কানুন কে তহত মানে ভি এক আয়াতে মুকদ্দাস কি তিলাওয়াত করনে কা সরফ হাসিল কিয়া অর ইসি কো আপনা উমানে সুখন বানায়া হে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনে মুকদ্দাস মে ইরশাদ ফরমাতা হে আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাত ওয়া রাকউ মা রাকিন বেশক সুবহানাল্লাহ নামাজ কায়েম করো যাকাত দাও আর রুকু করনে ওয়ালে কে সাথ রুকু করো ইয়ানি জামাত সে নামাজ আদা করো ব্রাদরান মিল্লাত নামাজ আফজাল তানিন ইবাদত হে নামাজ মুসলমান পর ইলাহি হাসিল করতা হে নামাজ মুমিন কি আলামত হে নামাজ দিল কা শুরু হে নামাজ দিল কা চেন হে নামাজ দিল কি ধড়কন হে নামাজ কা ইনকার করনে ওয়ালা কাফির হে ওয়াক্ত পর না নামাজ পড়নে ওয়ালা গুনাহগার হে আজ মুসলমান নামাজ সে লাপরওয়াহ হো গয়ে হে আজ মুসলমানন কো নামাজ পড়নে কে লিয়ে ফুরসত নাহি আজ মুসলমান দুনিয়াবি কারোবার মে মুনাফিক হে লোক নামাজ না পড়নে কে লিয়ে তরহ তরহ কে বাহানে বানাতে হে লেকিন মুসলমানো খুদা ভি হাত তোমারা কোই বাহানা করেগা बेशक सुभान अल्लाह शरीफ में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबाराक व तआला ने पांच वक्त की नमाज फर्ज की जिसने वक्त पर अच्छी तरह वजू किया खुशू व खुशू के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह तबाराक व तआला ने अपने जिम्मे अहद से करम कर लिया कि उसे बख्श दे सुभान अल्लाह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की झंडक है बेशक सुभान अल्लाह मतलब हजरत मस्कूर हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की झंडक है अगर आप रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे नमाज शुरू कर दीजिए अरे कौन मुसलमान होगा जो रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा चाहता होगा और यकीनन चाहता होगा अगर आप हकीकी मानों में आशिक रसूल हैं और अपने महबूब की आंखों में ठंडक पहुँचाना चाहते हैं तो उसे नमाज शुरू कर दीजिए और अपने हबीब की आंखों में ठंडक पहुँचा कर दोनों जहान की नेमतें हासिल कीजिए फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है मतलब यह है कि जो नमाज इश्क़े रसूल में पढ़ी जाए वह जन्नत की कुंजी है जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वह जन्नत की कुंजी है जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाए वह जन्नत की कुंजी है नमाज जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वह जन्नत की कुंजी है जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वह जन्नत की कुंजी है जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पढ़ी जाए वह जन्नत की कुंजी है जो नमाज जिक्र मुस्तफ़ा से खाली होगी वह नमाज बाद परगाह इलाही में कबूल ना होगी और जो नमाज जिक्र मुस्तफ़ा से खाली होगी जहन्नम की कुंजी है सुभान अल्लाह इसलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस दियो जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस दियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर के है सुभान अल्लाह इस्लामिया मालूम हो कि नमाज इश्क रसूल में पढ़नी चाहिए तरीके मुस्तफ़ा पर पढ़नी चाहिए आदा मुस्तफ़ा पर पढ़नी चाहिए हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो 40 दिन नमाज फजर इशा पांच जमात पढ़े अल्लाह तआला उसको दो मरतबा फरमाता है एक नार से दूसरी नफाक से
एक दूसरे जगह रिवाज है कि सरकार फरमाते हैं कि जो मस्जिद में बाजमात 40 रातें नमाज ईशा पढ़े रकात अल्लाह फौत ना हो तो अल्लाह तआला उसको जहन्नम से आजादी लिख देगा। सुभान अल्लाह। इधर मजकूरा वाला हदीस करीमा से मालूम हुआ कि जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है, खुसूसन फज्र ईशा की पाबंदी करता है, इश्क रसूल में डूब कर अदा करता है, उसके लिए यकीनन दोजख से रिहाई का परवाना है। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात से लौट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तदियात किया कि अल्लाह तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है, तो आपने इरशाद फरमाया कि रब तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की है, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे वापस जाइए और अपने रब से कम करा लीजिए क्योंकि आपकी उम्मत ताकत नहीं रखती। सरकार वापस जाते हैं और अपनी गुनहगार कमजोर उम्मत का ख्याल करते हुए नमाजें कम कराते हैं, इस तरह से 45 वक्त की नमाजें माफ करा लेते हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाजें रह जाती हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। जब बंदा खुशू खुशू के साथ इश्क मुस्तफा से बसा कर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक तआला से 50 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह।